आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है नेम टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैगोसाइट्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैगोसाइट्स कौन से होते हैं, यह हमें इन्होंने पूछा है। फैगोसाइट्स का मतलब पहले समझ लेते हैं। ये टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, टाइप ऑफ सेल्स, और इनमें एक स्पेशल एबिलिटी होती है, और वो होती है एबिलिटी टू इंजेस्ट, टू इंजेस्ट और सम टाइम डाइजेस्ट। एबिलिटी टू इंजेस्ट एंड सम टाइम डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। अब फॉरेन पार्टिकल्स कौन से होते हैं, तो जो हमारे बॉडी के नहीं है, जैसे कि डस्ट, बैक्टीरिया, वायरसेस, तो बेसिकली पैथोजेंस, या फिर हम इनको बोल सकते हैं एंटीजेंस। तो इनके अगेंस्ट ये क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, इन्हें इंजेस्ट करते हैं या फिर डाइजेस्ट करते हैं, और इन फॉरेन मटेरियल को पहले तो लिया जाता है एक्सटेंशन ऑफ अ साइटोप्लाज्म। ये क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करके, एनगल्फिंग फॉरेन पार्टिकल। इस प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस, और ये करते हैं फैगोसाइट्स। तो ये फैगोसाइट्स कौन से हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैगोसाइट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, और वो है मोनोसाइट, जिन्हें हम बोलेंगे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइट्स। सेकेंड है न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें हम बोलेंगे माइक्रोफेजेस। तो इस तरह से जो फैगोसाइट्स है वो मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइट्स, ये टू इंपॉर्टेंट फैगोसाइट्स है जो एनगल्फ करेंगे पैथोजेंस को। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।